सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टूल चैनल को और बजाइए बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राजीव बोल और आप देख रहे हैं ज्ञान टूल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आज चार रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड, उसमें MIS एग्जीक्यूटिव का पोस्ट खाली है। देन डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमेटी हुजाए, देन डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमेटी मोरीगांव, उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट। तो ये चार रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन 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 सा पोस्ट खाली है और किस में आपको कैसे अप्लाई करना है, इन चारों रिक्वायरमेंट के में बारे में मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं पहले रिक्वायरमेंट की तरफ। पहला रिक्वायरमेंट जो है वो है गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इसके हिसाब से यहाँ पे एक पोस्ट खाली है और उसके लिए और वो है MIS एग्जीक्यूटिव का पोस्ट। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का पोस्ट है 11th मंथ के लिए, जो कि है DAYNULM के अंडर, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के अंडर। और इसमें आपको एप्लीकेशन सेंड कहाँ करना है? एडिशनल कमिश्नर CPO NULM CMMU GMC फर्स्ट फ्लोर SS रोड लाख रुकिया नियर जूम स्टूडियो गुवाहाटी 781001। और इसको आप जो ऑफिस आवर में उसका जो मेन ऑफिस है वहाँ पे ड्रॉप बैक्स पे भी आप खुद ड्रॉप कर सकते हैं या फिर पोस्ट कर भी सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, BA BSc या फिर BCOM, और इसके साथ साथ आपका DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर DCA होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में। और इसके लिए आपका एज जो है वो होना चाहिए 23 साल से 35 साल तक 2018 के पहले जनवरी में। और इसका जो रिन्यूमरेशन है वो है ₹20,000 पर मंथ। और आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आसाम का स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन लास्ट डेट, इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट है 20/4/2018, मतलब 20 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये है DWSC या फिर यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी लेवल अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें हुजाए डिवीजन में एक पोस्ट खाली है जिसका नाम है MIS कंसल्टेंट। इसमें एक पोस्ट ही खाली है और इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपको ग्रेजुएशन होना होगा स्टेटिस्टिक्स में, इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। और इसके साथ आपका सैनिटेशन सेक्टर में कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या फिर एज ए MIS आप किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो सैलरी है वो लगभग ₹22,000 है। और इसके लिए आपका जो एज है वो 21 साल से 45 साल तक होना पड़ेगा 1 जनवरी 2018 में। और ये प्रोग्राम भी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम है जो है 11th मंथ के लिए। अगर ये प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ तो फिर वो नोटिस मिल जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के वक्त आपको हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा। तो ये था DWSC होजाई की डिवीज़न के लिए। तो आइए आप देखते हैं DWSC मोरीगांव में क्या पोस्ट खाली है। जो रिक्वायरमेंट है वो भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है और इसमें मोरीगांव में पोस्ट खाली है और इसका नाम है अकाउंटेंट। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा और ये डेट है 18 अप्रैल को। और ये 12 महीने के लिए टेम्पोरेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रोग्राम चल रहा है। इसमें एक पोस्ट है और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपको BCOM होना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में या फिर फाइल मैनेजमेंट में या फिर फाइल कॉरेस्पॉन्डेंस में किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ। और आपको 1 साल का टेली सॉफ्टवेयर यूज़ करने का भी तजुर्बा रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, VAT इन सब विषय में भी आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। और इसका जो रिन्यूमरेशन है वो है ₹25,000। और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, बस वॉक इन इंटरव्यू में जाना है आपको। और वो कहाँ होगा? वो होगा सर्किट हाउस मोरीगांव और ये होगा 18 अप्रैल 2018 दोपहर को 12 बजे। और वॉक इन इंटरव्यू में आप अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल लेके जाइए और इसके साथ साथ एक
जेरोस कॉपी भी लेके जाइए सेल्फ अटेस्टेड करके, और उसी दिन आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है आपको दे देगा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन एड्रेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप देखते हैं तीसरा रिक्वायरमेंट की क्या है। दोस्तों चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो है NERLP गुवाहाटी में, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट। इसके तहत जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह है। आप इसका जो डिटेल्स है आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nerlp.development.in, और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है NERLP के तहत। और इसका जो लास्ट डेट है वो 17 अप्रैल 2018 है, और इसमें आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट खाली है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका क्वालिफिकेशन भी आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और इसका डिटेल्स आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।